अमित बनकर रह रहे यूसुफ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवती से धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का बना रहा था दबाव। 13 जून को एक महिला द्वारा जिला मुख्यालय पर एसपी ग्रामीण के यहाँ शिकायत पत्र दिया गया था कि एक अमित नाम का युवक उसके साथ 5 साल से रिलेशनशिप बनाए हुए हैं और वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। जब युवती ने उस युवक से शादी करने की कही तो युवती को चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस युवक को वह अमित हिंदू समाज से समझती थी वो युवक मुस्लिम समाज से था और उसका नाम यूसुफ था, जो कि 5 साल से नाम छुपाकर अपना नाम अमित रखकर युवती के साथ रिलेशनशिप में रह रहा था, जिसको लेकर युवती ने थाना शिकोहाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। और आज युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले मुस्लिम समुदाय के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज रही है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। के आरोपी गिरफ्तार किए, किस तरह का प्रकरण था, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखिए 13 तारीख को यानी 2 दिन पहले एक महिला जिला मुख्यालय पर पहुंची और उनका ये कहना था कि उनके गांव का ही एक लड़का है जिसका नाम अमित पहले बताया गया था, वह लड़का पिछले 4-5 साल से उनके साथ रहता था लिविंग रिलेशनशिप में। 2-3 जगहों पर उस महिला को लेकर के वो लड़का अमित रखा और जब महिला ने उसको शादी के लिए दबाव बनाया तो शादी करने की जब बात आई उस समय उस लड़के ने इसको धर्म परिवर्तन करने की बात कही। इसका मतलब ये इसको जब उस समय ये इसको बताया गया कि ये लड़का इस्लाम धर्म इसका है और इसका नाम अमित नहीं है, इसका नाम यूसुफ है। तो यूसुफ का जो नाम उसको पता चला तो तब महिला आकर के हम लोगों के यहाँ रिपोर्ट की। हम लोगों ने इसमें इमीडिएटली बिना समय गंवाए मुकदमा पंजीकृत किया, हमारी टीम लग गई उसके पीछे और हम लोगों ने कल इस अभियुक्त यूसुफ को लगभग 8 बजे के आसपास गिरफ्तार किया है और महिला का सारा बयान वगैरह हो चुका है, इसलिए स्वीकार किया है साथ साथ रहना। पहले ये महिला को लेकर के नोएडा में रहा, उसके बाद से यहाँ सुकोहाबाद में रहता था। इसमें हम लोगों ने इसके विरुद्ध जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया है, आज इसको जेल भेजा जा रहा है और जो भी साक्ष्य है उसके आधार पे इस आरोपी कितने दिन महिला के साथ रहा था? देखिए ये दोनों ही साथ पिछले 4-5 साल से रह रहे हैं।